हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को खोया कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा साल जहाँ तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरखा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना।